तो आप सभी जानते हैं कि कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने वरुण धवन, श्रद्धा कपूर को भी डांसिंग ड्रामा फिल्म एबीसीडी 2 में डायरेक्ट किया था। और अब बारी है सलमान खान और दीपिका पादुकोण की। वैसे सलमान और दीपिका को डांसिंग ड्रामा फिल्म में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ, रेमो ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म की घोषणा की थी, जिसमें वो सलमान खान को कास्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान 13 साल की बेटी के पिता का किरदार निभाते नजर आएंगे। ये फिल्म भी रेमो की फिल्मों की तरह डांस ड्रामा होगी। आपको बता दें कि इसके बाद रेमो एक और फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें वो दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते हैं। ये फिल्म फोक डांस पर आधारित होगी और रेमो का कहना है कि इस रोल के लिए दीपिका परफेक्ट होंगी। रेमो को दीपिका के डांस मूव्स बहुत पसंद हैं और खासकर ट्रेडिशनल डांस, जिस वजह से रेमो को लगता है कि दीपिका फोक डांसर का किरदार बखूबी निभा सकती हैं। आपको बता दें कि रेमो ने कई हिट फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ किया है और इससे रेमो का करियर और उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती चली गई। उसके बाद साल 2013 में रेमो ने डांस बेस्ड फिल्म एबीसीडी डायरेक्ट की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2015 में रेमो अपनी फिल्म एबीसीडी का सीक्वल लेकर आए। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाई की और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। रेमो रियलिटी शो झलक दिखलाजा में भी बतौर जज नजर आ चुके हैं।